सरकार के प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सक्रिय नक्सली गंगा प्रसाद राय ने आत्मसमर्पण किया। भाकपा संगठन के सक्रिय नक्सली सदस्य गंगा प्रसाद राय, उम्र करीब 27 वर्ष, पिता गोदो राय, थाना काठीकुंड, जिला दुमका, झारखंड सरकार के प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर देसी राइफल के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल हो गए। ये वर्ष 2014 से 2021 तक दास्ता में रहे। इनके द्वारा दास्ता में रहने के दौरान वर्ष 2016 में काठीकुंड थाना अंतर्गत ग्राम बक्सिया पहाड़ में प्रतिबंधित उग्रवादियों द्वारा असंवैधानिक तरीके से नाजायज माजमा बनाकर एवं विस्फोटक पदार्थ को छुपाकर रखा गया था। 8 वर्षों से भाकपा माओवादी संगठन का सक्रिय सदस्य रहा। ये काफ़ी इस इलाके शिकारी पाड़ा, काठीकुंड, गोपी गांधर, सुंदर पहाड़ी इलाके में सक्रिय था। और अब तक जो जानकारियां मिली है, इनके विरुद्ध 2 कांड दर्ज है। 2016 में काठीकुंड थाना कांड संख्या 4116 एवं रामगढ़ थाना कांड संख्या 4316। सर, ये कैसे पुलिस के संपर्क में आया और किस तरह से इसने आत्मसमर्पण का जो सरकार का जो अपना ये योजना है उसको तहत ये आगे? इस इलाके में जो भी हमारी जो इसमें सेंट्रल फोर्स है SSP, उनके द्वारा जिला पुलिस के सहयोग से लगातार दबिश दी जा रही थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ माह पूर्व इन लोगों के जितनी भी सक्रिय दस्ता की काफ़ी रेगुलर आर्म्स, इंसास और ये रेगुलर राइफल पुलिस राइफल से बरामदी हुई थी। तो पिछले 1 वर्षों से लगातार इनके विरुद्ध सफलताएँ अर्जित हो रही थी। इनका मूवमेंट काफ़ी कम हो गया था और ये निगोशिएशन जो सरकार की जो नई दिशा के तहत जो आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति है, इसे ग्रामीणों के विरुद्ध जब भी छापामारी इलाके में जाते थे, SRP में जाते थे, उन्हें बताया जाता था। इससे प्रेरित होकर गंगा प्रसाद राय ने आज समर्पण किया। किस हथियार के साथ समर्पण किया? खाली हाथ है या नहीं? ये पैसा मिला है सर? ये अभी तक तो पैसा इसके पास नहीं मिला है। ये नहीं, सरकार की तरफ से क्या दिया गया? सरकार की तरफ से पुनर्वास नीति के तहत 1,00,000 रुपये का चेक, बाद में 2,00,000। किस आर्म के साथ ये सरेंडर किया है? ये इसमें रेगुलर राइफल के साथ। ये संगठन LRGS का ये सक्रिय सदस्य था। कैसे कैसे जुड़ा था संगठन में? इस पे ताला दा जो इसमें रिसेंटली 2019 में जो इसमें काफ़ी बढ़िया इनकाउंटर था, तालादार के ही इसमें कहने पर, चूँकि इस एक एरिया में तालादार का काफ़ी मतलब ये था वर्चस्व था, और खास करके एक कम्युनिटी में, तो अपने कम्युनिटी के लोगों उनका काफ़ी प्रभाव था और काफ़ी उनको रिस्पेक्ट देते थे, इसी से प्रभावित होकर वो इसमें चलाया। इसके जरिए कोई सुराग मिली? इसके जरिए जो सुराग मिली हो तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन का पास, अभी जो एक्टिव में आर्म दस्ता के विचलन की सूचना नहीं है। यदा कदा कभी कभी अनआर्म दस्ता 4-5 की संख्या में पत्रस देवरी, देवा देवरी, रानी वगैरह के चर्चाएं आती है, वो कभी कभार आती है। लास्ट अप्रैल में आने की सूचना मिली थी, जिस पर इसमें ये मसलिया के पहाड़ी क्षेत्र में मिला था, उस पर कार्रवाई की थी, फिर उसका मूवमेंट की जानकारी दी। सर, ये क्या विजय दा के दास्तान में काम करता था? ताला दा के बाद जो इस एरिया की जो कमान है वो विजय दा के पास, विजय दा ही इसमें जो भी बचे खुचे हैं उनको नेतृत्व करते हैं, तो विजय दा के ही संगठन। क्या क्या मौजूदगी है विजय दा का यहाँ? अभी फिलहाल इसकी सूचना नहीं है। क्या क्या मिलेगा सर इसको? अब इसका जो सत्यापन, हमारे जो पूर्व जो केसेस जो हैं उसके केसेस की इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और जो भी हिडन आर्म्स हो गए ये प्लांटेड ये होगा, ये ID वगैरह होगा, उसके रिकवरी में हमारा फ़ायदा होगा। सरकार द्वारा क्या प्रदान किया जाए? सरकार द्वारा पुनर्वास नीति के तहत जो है अभी आत्मनिर्भर राशि जो 1,00,000 रुपये दिया गया है तत्काल, हथियार समर्पण के लिए 15,000 रुपया मिलेगा, और टोटल ये 3,15,000 रुपया दिया जाएगा। पुनर्वास का जो पैकेज है, पुनर्वास पैकेज का गृह निर्माण के तहत 4 डिस्म जमीन दी जाती है,
प्रधानमंत्री आवास योजना के में 1,20,000 रुपये दिया जाता है निर्माण के लिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 1 वर्ष के लिए 6,000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है, परिवार की चिकित्सा निःशुल्क है, इसमें बच्चों की शिक्षा के लिए 40,000 रुपया दिया जाता है, पुत्रियों के विवाह के लिए 30,000 रुपया दिया जाता है, स्वरोजगार के लिए 4,00,000 रुपया का ऋण दिया जाता है जो उसको कम ब्याज में रिटर्न करना पड़ता है, जीवन बीमा 5,00,000 रुपये का जो आत्मनिर्भर करते हैं उसे पे दिया जाता है, परिवार के समूह जीवन बीमा 1,00,000 रुपये का जीवन बीमा किया जाता है, प्री बार्गेनिंग विकल्प होगा, प्री बार्गेनिंग विकल्प जो कि अपने ये इसके लिए केसेस के लिए जो है अगर इसमें हम लोग अप्रूवल वगैरह से बनाते हैं उनाते हैं तो प्री बार्गेनिंग जो होता है वो कोर्ट के आदेश से, खुले जेल में रहेंगे हजारीबाग में सब पुनर्वास केंद्र जो से बनाया गया, और डीसी के द्वारा यहाँ पर लोक अभियोजक पुलिस अधीक्षक के कार्पोरल जनरल समिति बनाकर आस पास पर जो नक्सली होते हैं उसके जो कांड दर्ज है उसके संबंध में समीक्षा की जाएगी, और समीक्षा के बाद जो भी एक समिति का जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। सामने में आए इसको लेकर किस तरह से तैयारी है? देखिए, किसी भी जगह अगर नक्सल हो, इंसर्जेंस हो, उसको अगर डिफीट करना है तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता। ये जितने भी यहाँ अभी तक कामयाबी मिले हैं कलादा से लेके नीचे तक, इसमें जखंड पुलिस, यहाँ का डीसी साहब और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, SSB, CRPF और ये जितने भी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के जो है एक कम्बाइंड एफर्ट से एक सब जो है एक ही पेज पे होकर जो काम किए, उस वजह से जो है नतीजे के तौर पे जो है तालादा से लेके जितने जहाँ जो नक्सल यूटिलाइज किए हैं, एप्रीहेंड किए हैं और बहुत सारे लोगों ने जो है सरेंडर किए हैं, तो ये सब उनका जो है मिला जुला एफर्ट का नतीजा है, रिजल्ट है। और आज ये जो गगन प्रसाद जो 27 साल का युवा है, यंग है, जिंदगी और आगे है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि वो जो है यहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, SSB, CRPF या जितने भी फोर्सेस हैं उनके जो है कार्रवाई को देख के जो मरना था वो मर गए, जो जिंदा है उन्होंने ये सोचा कि अभी जो है जंगल में रह के छुप के जो है जिंदगी व्यतीत करना मुश्किल है, उससे अच्छा है जखन गवर्नमेंट का जो है सरेंडर पॉलिसी बहुत सुंदर है, उसका फायदा उठाया जाए और ज़िंदगी जो है एक अच्छे नागरिक के तौर पे जो है बिताया जाए, जिसके लिए जो जो ऐसा सोच, पॉजिटिव सोच रखता है, जिस दिन सवेरे हुआ उसी दिन जिंदगी शुरू हो, उसके लिए पूरा जो है अपॉर्चुनिटी और मौका दिया जा रहा है। आपने देखा है अभी तो उसमें से ये गगन प्रसाद भी एक है, 27 साल का युवा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोकल पुलिस के लिए और SSB के लिए, CRPF के लिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी तरफ काम कर रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इससे जो है जो युवा अभी भी फंसे हुए नक्सल के चंगल में, इधर उधर जंगल में, उनको प्रेरणा मिलेगा, वो आगे आएंगे, सरेंडर करेंगे। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो उनका ये नुकसान होगा, क्योंकि जंगल में हम बहुत ज़्यादा देर तक उनको जिंदा रहने नहीं देंगे, कभी ना कभी हम देंगे, तो बेहतर है। हमारा तो यही मैसेज है समूह का मिल के, कि जो युवा है जो भूले पटके चले गए उनके पास, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो आगे आए, सरेंडर करें और अपना नया जीवन शुरू करें और देश के मेन स्ट्रीम में मिलके देश उन्नति, तरक्की और देश के इज्जत के लिए काम करें, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मैसेज है। थैंक यू सर। थैंक यू। ये क्या मैसेज होगा जिला प्रशासन की ओर से इस अवसर पर? सभी वैसे लोगों से मेरी अपील है कि मुख्य धारा में वापस लौट आए और समर्पण करके सरकार तथा जिला प्रशासन के साथ सहयोग करें, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं जिसके माध्यम से उनकी सहायता की जा सकती है तथा पुनर्वास में सहायता की जा सकती है, उसको ससमय और तत्परता के साथ लागू करने की दिशा में पूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।